हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं आपके शहर की रौनक, सिटी की रौनक लुवीना आपके पास, और मेरे साथ है आपका मित्र प्यारा आरजे हिमांशु, और ये है रेडियो सिटी का ट्रेंडिंग मसाला। बहुत सारी चीजें हैं जो इस टाइम ट्रेंड में। हिमांशु जी, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक्स। पहले सीधा पहले तो ओलंपिक्स की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024, आप किसी भी दिन प्लेटफॉर्म एक्स या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल कर देख लीजिए, आपको इस ट्रेंड के साथ रिलेटेड बहुत सारी चीजें सुनने को, देखने को पता लगती रहेंगी। रेडियो सिटी पर भी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। सो मैं बात करना चाहती हूँ उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मुझे आपने बताया था कि यार ये देख रही हो तुम, #hashtag बायकॉट ओलंपिक्स। यस, बायकॉट ओलंपिक्स, या फिर #hashtag पेरिस ओलंपिक्स 2024 के साथ #hashtag बायकॉट ओलंपिक्स, या फिर एक और हैशटैग मैंने अभी रीड किया था कि दैट आई स्टैंड विद एंजेलिना कैरन, ये चीज भी ट्रेंड कर रही है। बिल्कुल, हुआ क्या, कल एक ऐसी चीज हुई जो शायद ओलंपिक की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई। यस, और बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े दुनिया के नेता, यस यस, वो इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हुआ क्या, कल बॉक्सिंग का मुकाबला था दो महिलाओं के बीच में। जी हाँ, अल्जीरिया बनाम इटली। यस, और जैसे ही लुवीना मैच शुरू हुआ ना, 45 सेकंड के अंदर अंदर जो इटली की बॉक्सर थी उसने फाइट छोड़ दी। हाँ जी, क्योंकि उसे जब एक पंच पड़ा अल्जीरिया की बॉक्सर से, यस, तो उसने मैच के बाद रोते हुए कहा कि मुझे ऐसा पंच आज तक किसी महिला बॉक्सर से नहीं पड़ा। यस, उसका रीजन क्या था कि जो अल्जीरिया की बॉक्सर थी वो बायोलॉजिकल एक पुरुष, एज इन वो पुरुष, वो जब पैदा हुए उसके बाद उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया, और ये शिकायत हुई कि इनको कैसे क्वालिफाई कर दिया गया एक महिला के अगेंस्ट बॉक्सिंग लड़ने के लिए। सवाल ओलंपिक्स कमेटी के ऊपर उठाया जा रहा है, और पूरी दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह मुद्दा गरमाया पड़ा है कि एक महिला की महिला के साथ फाइट या बॉक्सिंग का मैच करवाने की बजाय आप ऐसे शख्स जो एक बायोलॉजिकल पुरुष है, जेंडर चेंज किया है, तो आप महिला के साथ कैसे फाइट करवा सकते हैं। सो ये बहुत गर्म टॉपिक है, बहुत गर्म टॉपिक है, और सभी उस इटली की जो बॉक्सर है उसके फेवर में है, सभी एग्जैक्टली सभी उनके फेवर में। इन्होंने मुझे बोला कि हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। आई रेड अबाउट इट हिमांशु जी, सारा मैंने डिटेल में पढ़ा, तो मैंने देखा वही जैसे आप कह रहे हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स डिफरेंट कंट्री के बायकॉट करने के लिए तैयार है कि क्या सच में, मतलब चेकिंग नहीं हुई होगी, तो बोला कि पासपोर्ट पे जो लिखा है जेंडर जनाब वही कंसिडर किया जाएगा। अरे मतलब इतना बड़ा मंच है ओलंपिक्स, भाई ओलंपिक्स, yes, और उसमें एक ऐसी चीज हो जाना ये सवालों के घेरे में है, और वो जिसने 45 सेकंड में फाइट ड्रॉप कर दी, yes, क्विट कर दी, तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी। Definitely right. तो हम आए दिन बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट ये शरेआम ये चीज जो सामने हुई है ओलंपिक्स में, तो आप इसे किस तरह देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। डेफिनेटली, बाकी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो डटे हुए हैं, लगे हुए हैं हमारे एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, एंड मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम ब्रॉन्ज तो जीत ही रहे हैं बट गोल्ड भी दूर नहीं। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जिन जिन एथलीट से, प्लेयर से एक्सपेक्टेशंस थी, हाँ, वो इस बार मेडल नहीं ला पाई गई, हाँ, सो हम बेस्ट विशेस देते हैं और प्रे करते हैं कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड कुछ भी हो आना चाहिए। हाँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, पहले तो एथलीट्स, प्लेयर्स काफी कम गए हैं। बिल्कुल, और जितने गए हैं जिनसे उम्मीद थी, जैसे पीवी सिंधु से काफी उम्मीद थी, वो राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई, लक्ष्य सेन जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिनसे उम्मीद थी वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, बट फिंगर्स आर क्रॉस्ड। यस, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी स्पोर्ट्स, जो गेम्स अभी बाकी हैं, उनमें इंडिया खूब अच्छे से आगे शाइन करे। और हॉकी के लिए, हॉकी से हमें पूरी उम्मीद है। हाँ, हॉकी से पूरी उम्मीद है, क्वार्टर फाइनल में तकरीबन वो पहुंच जाएगी भारतीय टीम, तो उनसे उम्मीद है कि पिछली बार जो ब्रॉन्ज जीता था इस बार वो ब्रॉन्ज सिल्वर में या गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। सही बात है। चलो, ये तो ओलंपिक्स है और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ है इसमें जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपकी जनरल नॉलेज बहुत इंक्रीज होगी। इसी के साथ साथ आज विराट कोहली, रोहित, सिराज, ये सारे ट्रेंड कर रहे हैं, वापसी होगी भाई इनकी, एंड ट्रस्ट मी इससे ज्यादा खुशी वाली कोई चीज है ही नहीं हमारे लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट तुमको बताता हूँ। ओके, 19 नवंबर जो हम फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आखिरी वनडे तब खेला था, उसके बाद आज रोहित शर्मा, विराट कोहली वनडे खेल रहे हैं, हाँ जी, और कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है, और श्रीलंका के साथ ये बायलेटरल सीरीज, हाँ जी, मतलब दो मुल्कों की जब आपस में सीरीज होती है, वनडे सीरीज, आखिरी बार श्रीलंका ये बायलेटरल सीरीज भारत के अगेंस्ट कब जीता था, तब जीता था जब सचिन तेंदुलकर की सिर्फ 25 सेंचुरीज थी,
विराट कोहली और रोहित शर्मा स्कूल में पढ़ रहे थे, शुभमन गिल पैदा भी नहीं हुए थे, सौरव गांगुली कप्तान नहीं बने थे और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता था। यानी कि आज से 27 साल पहले श्रीलंका ने भारत को किसी वनडे बाइलेटरल सीरीज में हराया था। 27 साल से श्रीलंका भारत से कोई बाइलेटरल वनडे सीरीज नहीं जीता और आज का मुकाबला जो भारत ने डोमिनेट किया श्रीलंका को, और लग रहा है कि इस बार भी मुझे भी लग रहा है जैसी भारतीय टीम है, तीनों वनडे ये भी जीत जाएगी और श्रीलंका की टीम भी वो वाली टीम नहीं है जो पहले, तो फिर भी अच्छी टीम होती थी काफी, और अब पहले के मुकाबले काफी कमजोर टीम है। सो इसलिए ये प्लेयर्स, ये टॉपिक सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो सारी चीजें आप रीड कर सकते हैं। ये दो तीन ऐसी टॉपिक्स थे जो स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड थे। अब बात करने वाली हूँ एंटरटेनमेंट कैटेगरी की। सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा पावर वर्चुअली ही सही भेजना चाहती हूँ हिना खान को। ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 से सफर कर रही है, कीमोथेरेपी करवा रही है, बट जिस जज्बे के साथ, विल पावर के साथ वो डटी हुई है, लगी हुई है और ये भी कह रही है कि मैं जीतूंगी। सर्टेनली फिर वो जीतेंगी। भाई मैं ना हिना खान को देखकर मुझे लग रहा है कि कोई सेलिब्रिटी या कोई इंसान सोशल मीडिया का कितने अच्छे से यूज कर रहा है, खूबसूरत तरीके से हर चीज बता रहे हैं। इतनी वो मतलब इतना बुरा टाइम उनका चल रहा है तो उस चीज को कैसे वो पॉजिटिव लेकर दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं। अपने एक एक चीज, अपने बाल उन्होंने जब काटे, शेव किया उन्होंने, सब बताया, मतलब वैसे रूह काम जाती है देखकर ये चीजें, और बट ऐसा लग रहा है लोगों के सामने प्रेजेंट करना और लोगों को मोटिवेट करना, बिल्कुल ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और हम हमेशा प्रे करेंगे हिना खान के लिए कि वो जल्द से जल्द पहले के जैसे बिल्कुल ठीक हो और वापस अपने काम में लगे। डेफिनेटली, एंड आप सब भी बिल्कुल भगवान जी से प्रेयर करें, कमेंट्स में रेड हार्ट्स भेजे उनके लिए, पता नहीं होता किसकी दुआ कब जाके कबूल हो जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर से एंटरटेनमेंट कैटेगरी की बात करूंगी। आपने चलो गेस करना है कि मैं किसकी एक्टिंग कर रही हूँ। समझे आप कोई बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप बड़े सेलिब्रिटी हैं, और कौन है ऐसा जो ऐसे करके फोटो क्लिक करवाता है? वही फरीक की फोटो में जो ऐसे वाला, बताओ ना। आज उनका जन्मदिन है। मैं आपको बताऊं, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतना क्रेज होगा हिमांशु जी इस लड़के का। गूगल पे लोग क्या कुछ सर्च नहीं कर रहे, क्या और ही सिंगल है, और ही की कितनी तनख्वाह है, और ही के पापा का नाम, और ही की मम्मी का, और भी बहुत कुछ सर्च कर रहे होंगे, मतलब बहुत। पर मैं ये देख रही हूँ कि इंटरनेट सेंसेशन, ट्रैवलर, ये सोशल मीडिया एडिक्ट पर्सन जो कहता है मैं 25 लाख लेता हूँ एक सेल्फी का, आज देखो भाई कमाल हो गई। कहते हैं कि मैं ना जिंदगी खुल के जीता हूँ, आई लिव माई लाइफ, इसीलिए आई एम अ लिवर। तो ये चीजें काफी पॉपुलर हो गई थी। टैलेंट है भाई, ऐसे पोज देखकर भी फोटो खिंचवा के इतने पैसे कमाना, सही है यार, किसी के बस की बात नहीं। आई ईट फूड, आई एम अ ईटर, ऐसे फिर ट्रेंड चल रही है। भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एक वो भी था ना, चीन टमाक डम डम, इसको हम बचपन में ना कोई एक सीरियल आता होता था, yes, yes. पूरी लाइन क्या थी, चीन पटा डम डम मंत्र अंतर मंत्र काम, yes, he knows it. मैं बोलने वाली थी ये बात, he knows it. एक्चुअली में ये एनिमेटेड सीरीज का एक ना इविल मैजिशियन होते हैं, वो ऐसे करने के लिए यूज करते थे, और 2008 में ये चीज आई थी और आज पॉपुलर हो रही है। चीन पटा डम डम, कब कुछ नहीं पता होता जी, कुछ नहीं पता होता कि कौन सी चीज कब वायरल हो जाए। 2008 में आई थी। कहते हैं मेहनत करो, करी जो बुजुर्ग कहते हैं भाई मेहनत करो, पता नहीं कब फल की जगह क्या पता फलानी मिल जाए। फटाफट से दो तीन चीजें और हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट कौन नहीं अटेंड करना चाहता, बहुत फैंस हैं उनके, उनकी वोकल्स क्या खूबसूरत है, एज अ पर्सन सिंप्लिसिटी सब उनको अट्रैक्ट करते हैं ना। बट उन्होंने स्टेटस कल अपडेट किया था कि उनका जो यूके का टूर था वो अभी कॉन्सर्ट जो है वो पोस्टपोन कर रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी है। सो मैं बस आपको सबको यही बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट करें, किसी को भी हो सकती है ये चीज़, तो ऐसे डिसहार्टन होना या गलत लिखना बहुत गलत है। मौसम ही ऐसा चल रहा है, खांसी जुकाम बड़ा कुछ, मेरे को अपने को कोई बात नहीं। ठीक है जी, इसी के साथ साथ बिग बॉस OTT 3 इसके साथ वाइंड अप करेंगे आज का अपना ट्रेंडिंग मसाला। पता नहीं क्यों बट ऑलरेडी एक ट्रेंड शुरू हो चुका है, दैट इज सना मकबूल जीत गई है बिग बॉस। हाँ, दो जो टॉप में थे सना और नेजी, उसमें से सना जीत गई है, डिक्लेयर हो गया, 25 लाख घर ले गई है, सब कुछ बता दिया लोगों ने।
अब ये फिर सच्ची होएगा मुखिया कम। हाँ एक्चुअली अब सलमान खान नहीं आ जाना लेके महीने बाद टीवी वाला जो भी है इसको। बट पता आपने आपको मैं बताऊं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, बायकॉट बिग बॉस बहुत ट्रेंड कर रहा था, ये वही रीजन है कि डबल एविक्शन हुई हफ्ते में, डबल एविक्शन चार बंदे निकाले और फाइनल तक आ गए। हिमांशु जी तो है, चलो मुखिया का और ये भी मुख गया है। ट्रेंडिंग मसाला भी आज यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता है बातें सुनना, बातें करना हमारे साथ, हमें देखना, तो ऐसे ही प्यार देते रहें, फॉलो करते रहें रेडियो सिटी पंजाबी को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और कमेंट्स में बता देना फीडबैक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो ठीक है, मुख गया कम आ जाओ। धन्यवाद।